आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का ही। आप देख रहे हैं दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती की 16 मई को दासपा में होगी विराट धर्म यात्रा, धर्म सभा, हजारों भक्त होंगे शामिल। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का पादुका पूजन और अभिनंदन का कार्यक्रम। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का गाली पर पट्टाभिषेक होने के बाद पहली बार जालौर जिले में हिंदू धर्म संदेश यात्रा पर आ रहे हैं। जगद्गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती 16 मई को दासपा के दूधेश्वर महादेव मंदिर में विराट धर्म सभा को संबोधित करेंगे। सभा में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पूज्य शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी का पादुका पूजन और अभिनंदन किया जाएगा। ये जानकारी रविवार दोपहर भीमाल शहर की एक निजी होटल में रखी प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के प्रतिनिधियों ने दी। प्रेस वार्ता में खांडा देवल शंकराचार्य मठ के संत पूज्य तीर्थ नंद ब्रह्मचारी, कार्यक्रम संयोजक श्रवण सिंह राठौर, धर्म सभा आयोजन समिति के सदस्य गंगा सिंह चंपावत, पूर्व रेंजर मग सिंह चौहान, समाजसेवी हवत सिंह, प्रकाश सोनी, भेरूपाल सिंह दासपा ने बताया कि पूज्य शंकराचार्य सदानंद सरस्वती 2 दिन के दौरे पर जालौर आ रहे हैं। इसके तहत जगतगुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती 15 मई को रात की डंडी स्वामी कैलाश आश्रम शंकराचार्य मठ पधारेंगे, जहां ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य तीर्थ नंद ब्रह्मचारी की ओर से सनातन परंपरा के अनुसार पट्टाभिषेक के बाद बने गए गद्दीपति जगतगुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का स्वागत सत्कार किया जाएगा। इसके बाद जगतगुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती 16 मई सुबह 11 बजे चित्रोड़ी में केसाराम सरदारा जी राजगुरु के निवास पर रखे आयोजन में शामिल होंगे। फिर जगतगुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती दोपहर 2 बजे दासपा जाएंगे। दासपा में सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण सिंह राठौर के निवास कृषि फार्म पर वैदिक परंपरा के अनुसार जगतगुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का पुष्प वर्षा और ढोल धमाके के साथ भक्तों की ओर से भव्य स्वागत होगा। इसके बाद शंकराचार्य जी का राठौर परिवार की ओर से पादुका पूजन और महाआरती की जाएगी। आयोजन समिति के प्रमुख सदस्य मग सिंह चौहान के मुताबिक यहां से शंकराचार्य दोपहर 3 बजे दासपा गांव के दूधेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में धर्म सभा में शामिल होंगे। धर्म सभा आयोजन समिति के मुताबिक इस समारोह में आसपास के संत महात्माओं को भी आमंत्रण दिया जाएगा। समारोह में भक्तों की ओर से पधारने वाले सभी संतों का भव्य स्वागत बहुमान किया जाएगा। प्रेस वार्ता में खांडा देवल शंकराचार्य मठ के संत तीर्थ नंद ब्रह्मचारी, पूर्व रेंजर मग सिंह चौहान, शिव भक्त गंगा सिंह चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण सिंह राठौर, प्रकाश सोनी, भेरूपाल सिंह दासपा आदि उपस्थित रहे। पहला दौरा 16 तारीख को दासपा के अंदर उनकी एक विराट धर्म सभा रखी गई है। पूज्य शंकराचार्य जी 15 तारीख की रात को खांडा देवल शंकराचार्य जी जो मठ है वहां पधारेंगे और वहां बाबूजी त्रिदानंद जी ब्रह्मचारी जी तो सनातन परंपरा के हिसाब से रीति रिवाज है उसके हिसाब से शंकराचार्य जी का स्वागत वगैरह करेंगे। शंकराचार्य जी रात्रि विश्राम वही खांडा देवल जो मठ है शंकराचार्य जी का वहीं करेंगे और 16 तारीख को सुबह उनका पास में चित्रोड़ी गांव है वहां पे एक सज्जन भक्त है वहां पे केसाराम जी सरदार जी राजगुरु उनके वहां पे एक उनका अभिमान बहुमान अभिनंदन समारोह रखा गया उसमें अभिमान उनका बहुमान किया जाएगा और दासपा के अंदर वो शाम को 2 बजे पधारेंगे। दासपा में मेरे निवास पर वहां पे उनका बाबू जी का पादुका पूजन कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सनातन जो धर्म है वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से जो हमारे श्रीमाली ब्राह्मण है उनके द्वारा वैदिक मंत्राचारों के बीच में परिवारजनों के द्वारा उनका पादुका पूजन किया जाएगा। दासपा के अंदर जो दूधेश्वर महादेव मठ है वहां पे 3 बजे उनकी एक विराट धर्म सभा रखी गई है।